रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। जब संख्या बल अधिक होता है तो आवाज़ दमदार होती है, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे मनोबल को उच्च कीजिएगा। हम आपकी बात जब सरकार से पूछते हैं, आपकी संख्या बल ही हमारी आवाज़ को और दमदार बनाती है, इसलिए निवेदन रहेगा कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी आवाज़ और दमदार हो सके। हमारे YT स्टूडियो के अनुसार 64% जो लोग हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देख रहे हैं, इसलिए यह संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरा विनम्र निवेदन है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं हिमाचल एंट्री के जो रूल है 31 मई 2021 तक वो क्या है, और हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए ई पास या कोई अनुमति की आवश्यकता होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को क्या स्थिति है, होटल खुले हैं या नहीं, और टूरिज़्म के लिए टूरिस्ट के लिए मेरी राय क्या है, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और साथ में इस जो आप ज़्यादा घुमक्कड़ है, हिमाचल ज़्यादा एक्सप्लोर किए हैं, तो ये रास्ता कौन सा है ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश घूमने आ सकता है या हिमाचल प्रदेश एंट्री रूल जो नए रूल है वो क्या है? तो गवर्नमेंट के हिसाब से मैं बताऊं तो आप टूरिज्म पर्पज़ से आप घूमने आ सकते हैं, उसके अंदर कंडीशन लगाई गई है, वो कंडीशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मेरी क्या राय रहेगी, मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है, आप यदि हिमाचल टूरिज़्म के हिसाब से आना चाहते हैं तो वो ज़रूर सुनिएगा। और तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने बताया है कि कोविड ई पास चाहिए, पहली शर्त जो एक साइट दी गई है, और उसका प्रॉपर ई पास कैसे निकालते हैं उसका मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। दूसरी शर्त है कि RT-PCR रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट है, उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको चाहिएगा नहीं, उसकी जगह तीन में से कोई एक रिपोर्ट चाहिए, तीन में से एक। तो पहले चाहिएगा रेट का मतलब है रैपिड एंटीजन टेस्ट, या रैपिड टेस्ट भी कई जने बोलते हैं। तो रैपिड टेस्ट है, यदि आपके पास 72 आवर्स के अंदर अंदर का रैपिड टेस्ट है तो आप हिमाचल एंट्री कर सकते हो कोविड ई पास के साथ। दूसरी है कि दोनों वैक्सीनेशन हो चुकी है आपकी, तो उसका प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी। तीसरी कंडीशन रहेगी कि आप यदि कोरोना पॉजिटिव रहे हैं पहले, उसके 6 महीने के अंदर अंदर नेगेटिव होने के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपको चाहिएगा। तो तीनों में से कोई भी एक प्रमाण पत्र चाहिएगा, तीनों नहीं चाहिएगा, और साथ में कोविड ई पास जो संबंधित SDM जारी करते हैं, इसमें टाइम लग रहा है, इसको अप्लाई करते ही नहीं आना है, इसका प्रिंट लेकर आना है, कैसे पूरा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसको आप देखिएगा। इस प्रकार आपको हिमाचल में एंट्री मिल जाएगी, लेकिन मेरी राय ज़रूर सुन के आप जाना। घूमने के लिए साधन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोड, यानी बस, सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के संदर्भ में, तो हिमाचल रोडवेज, सरकारी रोडवेज जिसको HRTC बोला जाता है, वो बंद है, और कब तक बंद रहेगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसके में भी कुछ नहीं बोला गया। इसके अलावा प्राइवेट बस है वो पहले से भी स्ट्राइक पर है, हड़ताल पर है कुछ मांगों को लेकर, तो उनको भी सरकार ने नहीं सुना है। और भविष्य में जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ओपन होगा तो आपको सबसे पहले यहाँ अपडेट मिल जाएगी। हमारा काम है आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट देना। अभी अभी जो नया फैसला आया है लॉकडाउन को लेकर, जिसको हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है, वो 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, लेटेस्ट खबर है कि जो कोरोना कर्फ्यू है हिमाचल प्रदेश में 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इस महीने में यानी 26 मई को ख़त्म होने वाला था, वो 5 दिन बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि यह समझें कि हिमाचल में छूट मिलने वाली है, मेरे हिसाब से छूट अभी फ़िलहाल नहीं मिलने वाली है। और आप टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट आना चाहें तो ज़रूर मेरी राय सुन के जाइएगा। उससे पहले आपको होटल के बारे में बता देना चाहता हूँ कि होटल खुले हैं या नहीं। जी हाँ, होटल खुले भी है और बंद भी है, क्योंकि फ़िलहाल टूरिस्ट कम हो चुके हैं, इसलिए होटल स्टाफ भी रखना खर्चे से बाहर हो रखा है।
इसलिए आधे होटल खुले हैं आधे बंद हैं। तो इस हिसाब से यदि आप आना चाहें तो होटल वाले से कन्फर्म करके ही आइएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि होटल स्टाफ को पूरा रखें तो दिक्कत होती है, क्योंकि उनको सैलरी कहाँ से दे, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आ रहा है। और गवर्नमेंट भी कागजी तौर पर ही टूरिज्म को प्रमोट कर रही है वर्तमान परिस्थितियों के अंदर, क्योंकि कागजी का मतलब होता है दिखावटी, शुडो टूरिज्म प्रमोट कर रही है फिलहाल। मैं ये शब्द मेरे हिसाब से मैं मेरी राय है, ये हो सकता है कि आपकी कुछ अलग राय हो, तो सुडो टूरिज्म ही प्रमोट कर रही है, क्योंकि ई पास यदि अप्लाई कर रहे हैं तो उनको परमिशन नहीं मिल रही है। मेरी राय ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बता देता हूं कि हिमाचल एंट्री और एक ज़िले से दूसरे ज़िले में यदि लोकल हिमाचली है, ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं मेरे चैनल पर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकते हैं, उसके लिए कोई ई पास या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन बेवजह यात्रा ना करें, ये मेरा निवेदन रहेगा। तो ये रास्ता कैसा लग रहा है, कौन सा रास्ता है, ज़रूर बताइएगा। और अब मेरा ओपिनियन क्या है, आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस जो पेंडेमिक जो सिचुएशन है उस हिसाब से मेरी राय, क्योंकि पहले आप ई पास के लिए अप्लाई करोगे तो ई पास गवर्नमेंट नहीं दे रही है। मैंने एक सर्वे किया था, उसके अंदर पूछा था कि आपने ई पास के लिए अप्लाई किया तो आपको मिला या नहीं, तो इसमें 80% लोगों ने कहा नहीं मिला, और कुछ ने कहा मिला, कुछ ने कहा कि, तो उनका कोई कन्फर्म जवाब नहीं आया। तो ये मेरा सर्वे कह रहा है, और आप मेरे इसके अंदर आप सर्वे देख सकते हो। तो उसमें गवर्नमेंट ही खुद नहीं चाहती कि टूरिस्ट आए, और मैं मेरी राय ये रहेगी कि आप ना आए। आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर, आप अपने घर पर रहिएगा, अपने परिवार का, अपने बूढ़े बच्चों फैमिली और फ्रेंड्स का ध्यान रखिएगा, और उनके काम आ सको इस पेंडेमिक सिचुएशन में, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। हम यदि खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो अब आगामी दिनों में मिलते रहेंगे। तो हिमाचल गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि टूरिस्ट आए, उनको मजबूरी है, तो उस हिसाब से वो जब सही होगी सिचुएशन तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप आ सकते हो। फिलहाल मेरी राय, पर्सनल राय, यदि मेरे से पूछें तो आप नहीं आए तो बेटर रहेगा, और परिस्थिति ऐसी है तो आप ई पास और रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसकी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। और इसके अलावा ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर 64% लोग बिना सब्सक्राइब कर रहे हैं, बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को भी। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, काम अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई क्यूरिया तो पूछिएगा। जय हिंद।